हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 12, चैप्टर नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक में से आज इलस्ट्रेशन 1 करवा रहा हूँ। पेज नंबर आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 286 के अंदर इलस्ट्रेशन 1 है, जिसमें लिखा हुआ है जर्नल एंट्री, पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर देखो, वन बाय वन, ओनली वन इज इलस्ट्रेशन करना है, दूसरा कोई भी इलस्ट्रेशन इसमें करना है नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन 1 उसमें आपको डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है, ये भी आपको प्रैक्टिस हो, इसलिए बता रहा हूँ, बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, पहला ट्रांजेक्शन मैं रीड कर रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग ₹1,00,000, इन्वेस्टमेंट ₹50,000 आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब अच्छी तरह ध्यान रखना, मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहली एंट्री कौन सी करने की, असेट्स की बुक वैल्यू की एंट्री। तो बुक वैल्यू दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 है और इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 है। तो पहले बुक वैल्यू की एंट्री करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 1,00,000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट कितना दिया आपको, 50,000 रुपये। दोनों मिलाकर आप देख लो अपने पास टोटल असेट्स कितनी हुई, 1,50,000 रुपये। आगे लिखा क्या है ट्रांजेक्शन में, कि ₹80,000 एंड ₹60,000 आर रियलाइज्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देम। लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 का कितना रियलाइज हुआ, 80,000, और इन्वेस्टमेंट 50 की जगह पर 60 रियलाइज हुआ। तो दोनों का टोटल कर दो, मैंने आपको बताया हुआ है रियलाइजेशन में जनरली याद रखना, जब भी असेट्स को बेचते हैं तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू वो दोनों का टोटल करना है। तो 1,00,000 की जगह पर लैंड एंड बिल्डिंग का 80,000 आ रहा है और इन्वेस्टमेंट 50 की जगह पर 60,000 है, तो 80 + 60 करोगे तो दोनों मिलाकर 1,40,000 होगा। कितना होगा, तो रियलाइज की वैल्यू क्या आएगी, पैसे आ रहे हैं, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड। बार बार मेरा फॉर्मेट याद रखना, तो जनरली आपको कोई एंट्री याद रखनी पड़ेगी नहीं, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और दोनों का टोटल कर दो, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, तो टोटल मिलाकर कितना पैसा आ गया, 80 + 60, दैट मीन्स 1,40,000 रियलाइज हुए। ओके, सभी ट्रांजेक्शन के नीचे कंपलसरी आपको जर्नल एंट्री के नीचे आपको नरेशंस लिखना है, बराबर, वो ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 2, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इधर वर्किंग बता रहा हूं, वो भी देखना, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल असेट्स ऑफ द फर्म 4,00,000, टोटल असेट्स 4,00,000 है, उसमें से 40% करंट असेट्स, 40% क्या लिखा है, करंट असेट्स, और 60% क्या लिखा है, फिक्स्ड असेट्स, ऐसा लिखा हुआ है। 4,00,000 का 40% आएगा तो 160, और बाकी का इधर आएगा 2,40,000 फिक्स असेट्स। आगे लिखा हुआ है कि वेयर कैश इज इंक्लूडेड ऑफ ₹20,000, तो मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि कैश कभी भी असेट्स में गिनना नहीं है, करंट असेट्स में। तो करंट असेट्स टोटल एक साइड है, उसमें से 20,000 कैश को माइनस कर दो तो अपनी करंट असेट्स कितनी हुई, 1,40,000, और अपनी फिक्स असेट्स कितनी हुई, ये करंट असेट्स हुई, ये अपनी फिक्स असेट्स हुई, बराबर। तो पहली एंट्री बुक वैल्यू की एंट्री करो, इधर तो इधर बुक वैल्यू की एंट्री कर रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू करंट असेट्स अकाउंट एंड टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। करंट असेट्स कितनी है, 140, और फिक्स असेट्स कितनी है, 240, दोनों मिलाकर टोटल कितना है, 3,80,000। ये पहली एंट्री कर दी। आगे लिखा क्या है ट्रांजेक्शन में, देखो कि 120% ऑफ फिक्स असेट्स आर रियलाइज्ड,
फिक्स असेट्स का कितना परसेंट रियलाइज हो रहा है? 120%। तो 240,000 का 120% करोगे तो 288 आएगा, 288 आएगा, एंड 80% आर रियलाइज फ्रॉम करंट असेट्स। और इसमें से 80% बता रहा है, 140 का 80% करोगे तो 112,000 आएगा। दोनों का प्लस कर दो तो कितना रियलाइज हुआ, दोनों का प्लस करोगे तो 400,000 रुपये आएगा। देख लो यहाँ पर खास इम्पोर्टेंट, कितना रियलाइज हुआ दोनों मिलाकर, कितना हुआ 400,000 रियलाइज हुआ, मतलब पैसे आ रहे। तो एंट्री क्या आएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,00,000 रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट में यहाँ पर आएगा 4,00,000 रुपीज। ओके तो फ्रेंड्स ये ट्रांजेक्शन्स बहुत इंपॉर्टेंट था, देखना अच्छी तरह। जो फिक्स असेट्स का 120% लिखा हुआ है कैलकुलेशन से करना तो आपको पता चलेगा 288 आएगा, और 140 का 80% करोगे तो 112,000, दोनों का टोटल करोगे तो 400,000 रुपये रियलाइज हो रहे। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द वैल्यू ऑफ मशीनरी 70,000, इट इज टेकन बाय वन पार्टनर फॉर 78,000। बुक में मशीनरी दी है 70,000, तो पहली एंट्री क्या आएगी, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, कितनी दी है 70,000। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 70,000, बट आफ्टर दैट वन पार्टनर हैज टेकन ओवर मशीनरी बाय रुपीज 78,000, तो पार्टनर खुद ले लेता है, तो नाम लिखने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने में ले लेता है यहाँ पर 78,000। तो यहाँ पर लिखना है आपको 70 की जगह पर 78 में पार्टनर मशीनरी खुद क्या करता है, ले लेता है। तो इधर आपको ये एंट्री बताने की है। उसके बाद ट्रांजेक्शन 4 वो भी देखना, खुद आप कर सकते ही हो, बराबर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। 4 नंबर देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म इज रुपीज 20,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन खर्चा, मैंने आपको एंट्री बताई है, मेरी एंट्री याद रखना एंट्री नंबर 7, 7 नंबर एंट्री में बताया हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, इफ फर्म इज पेड बाय द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बराबर। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट अमाउंट भी कितना 20,000, फॉर्म इज पेड, बराबर। देन ट्रांजेक्शन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग असेट्स आर अपियर इन द बुक, बुक में करीबन आप देख सकते हो 4 एसेट्स बताई हुई है, कौन सी, बिल्डिंग 2,00,000 रुपये, गुडविल 20,000, फर्नीचर 40,000 एंड मशीनरी 30,000। तो पहली एंट्री क्या करनी की बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, तो बुक वैल्यू ऑफ असेट्स की एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, सारी बुक वैल्यू ऑफ असेट्स कौन सी है, तो पहले बिल्डिंग, तो टू बिल्डिंग अकाउंट, फिर लिखा हुआ है फर्नीचर तो आएगा फर्नीचर अकाउंट, फिर उसके बाद गुडविल हो तो टू गुडविल अकाउंट, फिर उसके बाद मशीनरी है तो टू मशीनरी अकाउंट, बराबर। पहले बुक वैल्यू ऑफ असेट्स सारी लिखो, बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है 2,00,000 रुपये है, फर्नीचर की बुक वैल्यू 40,000 है, फिर गुडविल की बुक वैल्यू 20,000 है, और मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 30,000। ये पहले बुक वैल्यू ऑफ असेट्स सबका टोटल करो 240,60, 2,90,000। अब इसमें ये पहले बुक वैल्यू ऑफ असेट्स हो गए, आगे लिखा हुआ है नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 288, रियलाइज 220 फ्रॉम बिल्डिंग, 2,00,000 के सामने बिल्डिंग का कितना हुआ 220, सबका टोटल ही करना है, बरोबर ध्यान रखना, कैलकुलेटर से टोटल कर लो, क्योंकि जब भी रियलाइज हो रहा है तो अपने को तो क्या करना है, पैसे आ रहे हैं सबका टोटल करके लिख दो, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
रियलाइजेशन अकाउंट कितने पैसे आ रहे, लैंड बिल्डिंग 2 लाख की जगह पर 2,20, फिर 50,000 फ्रॉम फर्नीचर, 40,000 के सामने कितने आ रहा है फर्नीचर का, 50,000, फिर एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब वही की वही 30,000 की 30,000 मशीनरी, और आगे देखो गुडविल रहा तो नीचे उसके अंदर ही लिखा हुआ है नो वैल्यू इज रियलाइज फॉर गुडविल, तो 20,000 का कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा है, मतलब जीरो। टोटल करो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 लाख रुपये बराबर। तो इधर लिख दो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड 3 लाख, टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा यहाँ पर, 3 लाख रुपीस। ओके, तो ये इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल पहले असेट्स को यहाँ पर शो करना है, एंड देन आफ्टर क्या करना है, जो भी अमाउंट जो भी असेट्स यहाँ पर बेचेंगे, जितना भी पैसा हमको यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यूज ऑफ द असेट्स। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6, अब मैं आशा रखूंगा आपको सभी आएंगे बराबर, फिर भी देखना है यहाँ पर 6 नंबर ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ। बैड डेट्स ऑफ रुपीज 12,000 वॉज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब पास्ट में बैड डेट्स 12,000 की हुई थी। अब जो पास्ट में बैड डेट्स हुई थी उसकी एंट्री तो पास्ट में हो चुकी होगी 12,000 की, बट आउट ऑफ विच मतलब उसमें से 12,000 में से 10,000 इज रिसीव्ड, कितना आ रहा है 10,000, मतलब पैसे आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। 12,000 जो बैड डेट्स हुई थी वो पास्ट में हुई थी, उसकी एंट्री अभी करने की जरूरत नहीं है, पर उसमें से 10,000 इज रिसीव्ड मतलब पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री क्या करने की, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कैश कम्स इन और पैसे कहां पर आ रहे हैं, रियलाइज हो रहे हैं, मतलब दैट मीन्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद एंट्री नंबर 7, देर इज नो वैल्यूज ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बुक में गुडविल की वैल्यू है ही नहीं, मतलब पहली एंट्री जो बुक वैल्यू की हम करते वो करने की नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 35,000 रियलाइज फॉर इट्स, पहली एंट्री बुक वैल्यू की नहीं है बट रियलाइज कितना हो रहा है 35,000 रुपये, मतलब गुडविल का रियलाइज हो रहा है 35,000, पैसे आ रहे, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट में बताने का कितना 35,000। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन नंबर 8, 8 नंबर ट्रांजेक्शन देखो, जिसमें लिखा गया है कि पार्टनर नरेश एक्सेप्ट्स टू पे 30,000 फॉर बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अपनी लायबिलिटी हुई और वो लायबिलिटी को चुकाने की जवाबदारी कौन ले रहा है, नरेश, नरेश नाम का पार्टनर ले रहा है बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, इधर मैं बता रहा हूँ पहले सबसे पहली एंट्री किसकी करने की है बराबर, ये लास्ट एंट्री करवा रहा हूँ बराबर। पार्टनर नरेश हैज एक्सेप्टेड टू पे द बिल्स पेएबल ऑफ रुपीज 30,000, तो बिल्स पेएबल अपनी लायबिलिटी हुई, तो सबसे पहले लायबिलिटी की एंट्री करो। मैंने आपको बताई है बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, तो लायबिलिटी की एंट्री मैंने बताई थी, सन्ड्रीज लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, इधर सन्ड्री लायबिलिटी में नाम किसका है, बिल्स पेएबल, तो क्या करना है आपको, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, ये पहली बुक वैल्यू की एंट्री करी 30,000 बराबर। उसके बाद लिखा हुआ है कि वन पार्टनर हैज, नाम भी लिखा हुआ है पार्टनर का नाम नरेश, नरेश एक्सेप्टेड टू पे द लायबिलिटीज ऑफ बिल्स पेएबल, नरेश एक्सेप्ट कर रहा है, तो एंट्री रिवर्स कर दो बराबर, रियलाइजेशन जो पहले में क्रेडिट आता है दूसरे में डेबिट कर दो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू नरेश, टू नरेश अकाउंट अमाउंट पे वही का वही 30,000 का 30,000। फ्रेंड्स आप चेक भी कर लेना, आपके पास टेक्स्ट बुक ही है, इलस्ट्रेशन भी है, पेज नंबर 289 के अंदर भी देख लो 8 नंबर का ट्रांजेक्शन। वो लोगों ने ये पहली बुक वैल्यू की एंट्री नहीं करी है, डायरेक्टली ये जो पेमेंट करा हुआ है नरेश ने, जो पेमेंट लायबिलिटी को एक्सेप्ट करा है वही एंट्री करी हुई है। अपने को याद रखना एग्जाम के अंदर भी बुक वैल्यू की भी एंट्री करने की, और बाद में फिर जो भी पेड अप होता है तो पेड अप, या तो कोई पार्टनर उसको एक्सेप्ट करता है तो वो भी एंट्री आपको करने की। ओके फ्रेंड्स,
बाकी के जो भी चार पांच ट्रांजेक्शन्स बचे हुए हैं वो भी आपको खुद को आएगा, आप ट्राई कर लेना। मैंने आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी सम के अंदर, बराबर। फिर भी मेरे को लगा इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाया, बराबर। तो आप अपनी तरह से देख लेना यहाँ पर। तो लगभग देखने जाओगे तो ये डिसोल्यूशन के अंदर जो भी कोर्स में था सब कुछ बता दिया है, बराबर। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताना, बराबर। थैंक यू।